कि ओनली रेजिस्टर में एवरेज पावर का फॉर्मूला ईवी इंटू आईवी। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ईवी इंटू आईवी। अब एक काम करते हैं, अब बात करते हैं एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एन इंडक्टर। इंडक्टर, अगर आपको इंडक्टर की इक्वेशंस याद हो तो इंडक्टर में इफ वी अप्लाई ई इज ई नॉट साइन ओमेगा टी तो करंट क्या आएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, क्योंकि इंडक्टर में वोल्टेज आगे होती है, करंट पीछे होता है। फिर अभी अभी मैंने बोर्ड पे कुछ करके दिखाया था, माइनस कॉमन ले लेना, साइन ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी क्या होगा? कॉस ओमेगा टी। तो इजी करके दिखाया था अभी सबसे एक्सप्रेशन में, तो इसको लिख सकते हैं माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ई आ गया, आई आ गया, डी। अब ई और आई का मल्टीप्लीकेशन क्या देगा? इंस्टेंटेनियस पावर। डी डब्ल्यू बाई डी टी इज ई इंटू आई। ई की जगह ये टर्म, आई की जगह ये टर्म, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ई नॉट आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। डी टी राइट साइड पे चला गया तो डी डब्ल्यू आ गया। इसे इंटीग्रेट करते हैं 0 से t तक, तो टोटल वर्क डन माइनस ई नॉट आई नॉट। मेडिकल के लोग फिर ध्यान से देख लें, जब साइन और कॉस दोनों इकट्ठे मल्टीप्लाई हो रहे हो, इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या करना है? आपने टी टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैथ्स का एक फॉर्मूला लगाना है, टू साइन थीटा कॉस थीटा विल गिव साइन ऑफ टू थीटा, तो ये टर्म लिख देनी है। राइट, क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? मैथ्स का फॉर्मूला लगा के टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का मतलब होता है साइन टू ओमेगा टी। आगे कुछ नहीं करना आपने, क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला अभी करवाया कि अगर ये साइन है और अंदर एंगल कुछ भी हो, और अगर आपकी लिमिट कंप्लीट साइकिल के लिए 0 से t हो, तो स्ट्रेट वे आंसर क्या आता है? 0। एरो डालो और सीधा 0 लिखो, आगे इंटीग्रेशन स्टेप दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आंसर 0, तो वर्क डन सीधा क्या आएगा? 0। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो सीधा आंसर 0 आ गया। जब टोटल वर्क डन ही 0 है तो एवरेज पावर भी 0 है। तो एक साइकिल में, जब इंडक्टर में एक साइकिल जाएगा एसी का, और उसमें ई और आई कॉन्टिन्यूसली क्या होंगे? चेंज होंगे, तो एवरेज पावर का आंसर क्या आएगा? 0। अब बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर की इक्वेशंस बोलो, ई इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर इंडक्टर में ये माइनस होता है तो कैपेसिटर में ये प्लस होता है, और साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, कॉस ऑफ ओमेगा टी। कोई डाउट इसमें? फिर वही रूल, डी डब्ल्यू बाई डी टी इज ई इंटू आई। ई की जगह ये टर्म, आई की जगह ये टर्म, ऊपर वाले और इस एक्सप्रेशन में एक फर्क है, और वो क्या? माइनस का। उसमें ये टर्म माइनस थी, इसमें ये प्लस है। अदरवाइज रूल इज सेम, करने की जरूरत क्या है? जब उसकी इंटीग्रेशन 0 आंसर दे रही है, तो इसकी इंटीग्रेशन भी 0 आंसर देगी। सेम सेम टू सेम रिजल्ट है, कुछ नहीं करना इसमें। एवरेज पावर क्या आएगी? सीधा 0। तो रूल क्या बना? ओनली रेजिस्टर में एवरेज पावर